शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है दुल्हा तो टेंशन में आ गया कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया सॉरी गलती से आपको भेज दिया दुल्हा फिर टेंशन में आ गया मौलवी बीवी पे हाथ उठाना गुना है फ़ैसलाबादी पर मैंने तो लात मारी थी बीवी आँख मचोली में अगर आपने मुझे ढूँढ लिया तो शॉपिंग पर चलेंगे शौर और अगर ना ढूँढा तो बीवी ऐसे तो ना कहें मैं दरवाज़े के पीछे ही छुप जाऊँगी शौर बेगम आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पी कर मैं नाचने लगूँ झूमने लगूँ मस्त हो जाऊँ बीवी हमारे घर भैंस का दूध आता है नागिन का नहीं पप्पू के घर मेहमान आया पप्पू, यार इस पंखे के नीचे बैठो बहुत सवाब मिलेगा मेहमान सवाब कैसे मिलेगा पप्पू, ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ एक होटल पर लिखा था खाना आप खाएं पैसे आपके पोते देंगे एक आदमी ने पढ़ा तो बहुत खुश हुआ कि वाह भाई वाह ये तो कमाल है बेटी भी नहीं पोते देंगे लिहाजा वो होटल पर गया और वेटर से कन्फर्म किया और कहा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई वेटर ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं आप खाना खा जाएं, शादी करें फिर अपने बच्चों की शादी करवाएं। जब आपके पोते हो जाएंगे तो हम उनसे बिल वसूल कर लेंगे वो खुश होकर एक कुर्सी पर बैठ गया और खाने का ऑर्डर कर दिया खाना खाने के बाद वेटर ने उसके आगे बिल रख दिया इस पर वो आदमी कहने लगा कि आपने तो कहा था के बिल पोते देंगे फिर ये क्या है वेडर मुस्कुरा कर बोला ये आपका बिल नहीं है ये आपके दादा जान का बिल है जहाँ शोरों को ये शिकायत रहती है कि बेगमात बहुत बोलती हैं वहाँ बीवियों को ये शिकायत रहती है कि ये शौहर हजरात सुनते ही कहाँ हैं पप्पू डॉक्टर से मुझे लंबी उम्र का कोई तरीका बता दें डॉक्टर तुम शादी कर लो पप्पू इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी डॉक्टर नहीं तुम्हारी ये ख़्वाहिश ख़त्म हो जाएगी सयाहों का एक गुरु मगरमचों के फॉर्म का दौरा कर रहा था वो सब झील के दरमियान तैरने वाले जंगले में सवार थे फार्म के मालिक ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया जो कोई पानी में छलांग लगाकर किनारे तक तैराकी करेगा उसे दस मिलियन डॉलर मिलेंगे हर तरफ सन्नाटा छा गया अचानक एक आदमी ने पानी में छलांग लगा दी मगर मचों ने उसका पीछा किया लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहा मालिक ने ऐलान किया ये शख्स ऐलान करदा इनाम का हकदार है इनाम हासिल करने के बाद वो शख़्स और उसकी बीवी होटल के कमरे में वापस आ गए उस शख़्स ने अपनी बीवी से कहा मैंने ख़ुद छलांग नहीं लगाई किसी ने मुझे धक्का दिया था उसकी बीवी मुस्कुराई और सर्द लहजे में बोली वो मैं ही थी हर कामयाब मर्द के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है बाबा जी सत्तर साल की उम्र में आठवां ब्याह करने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया बाबा जी आखिर आपको शादी करने का इतना शौक़ क्यों है बाबा जी ने कहा मुझे शौक कोई नहीं बस निकाह के वक्त जब मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है लड़के को बुलाओ तब दिल में ठंड पड़ जाती है <laughs> बीवी अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कदर करते शौहर नहीं फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते बीवी वो क्यों शौहर लोग कहते वो देखो बुरा वक्त आ रहा है रात को भूख लगी अमरूद पड़े थे काट कर खा लिए अब सुबह से घर वाले पकाने के लिए टिंडे ढूंढ रहे हैं मालिक नौकर से चलो जाकर पौधों को पानी दो नौकर जनाब बारिश हो रही है मालिक तो क्या हुआ छतरी लेके पानी दे आओ काम चोर इंसान लोगों के दोस्त बता किससे से फटा हुआ है देख लेंगे साले को मेरे दोस्त क्यों हर जगह पंगा करता है अब लड़ खुद जाके रात को घर चोर आ गए मैंने अंदर से क्लाशन कोफ निकाली और चोर देखकर भाग गए पंद्रह मिनट बाद पुलिस आ गई कहने लगे तुम्हारे घर किलाशन कोफ मैंने दिखाया कि भाई ये तो बच्चों का खिलौना है चोरों को डराया था बस पुलिस गई चोर फिर आ गए एक स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए चौकीदार से कहा ये यूनिवर्सिटी कैसी है चौकीदार हाँ बहुत अच्छी है मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग की थी तारीख गवाह है रोज़ाना घर को शीशे की तरह चमकाया जाता है मगर जिस दिन थोड़ी सी भी सफाई ना की हो उस दिन मेहमान आ जाते हैं बीवी अपनी बेटी की उम्र हो गई है आप इसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? शोहर देख तो रहा हूँ लेकिन आज कल शरीफ तालीम याफ़्ता एहसास ज़िम्मेदारी वाले लड़के कहाँ मिलते हैं बीवी ये तो सब आपके बहाने हैं अगर मेरे अबू भी यही सब देखते तो आज मैं भी कुारी बैठी होती प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, चैनल।